नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं जन्म कुंडली क्या होती है, ऐसा क्या होता है जन्म कुंडली में जो व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक का विवरण रहता है, और यहाँ तक कि प्रारब्ध भी उसका यदि अच्छा ज्योतिषी है तो वो भी बता सकता है कि पूर्व योनि में आप क्या थे। तो इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष को क्या कहते हैं वेद का, वो मैं आपको बताता हूँ। वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्र मकलमशम। ज्योतिष शास्त्र वेद की चक्षु है, वेद की नेत्र है। अर्थात जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण आपके चेहरे को बताता है कि मेरे आपके चेहरे में कहाँ क्या दाग है या कहाँ चेहरा साफ है कहाँ गंदा है। इसी प्रकार ज्योतिष बताती है कि जीवन के विषय में, भविष्य के विषय में कब कैसे कहाँ किस प्रकार आपके साथ अच्छी बुरी घटना घटेगी। वर्तमान में जब इंसान अपने जीवन में तमाम परेशानियों से गुजरता है, बहुत संघर्ष करता है, और बहुत संघर्ष के बावजूद भी उसको वह नहीं प्राप्त होता जो कर्म के आधार पर, संघर्ष के आधार पर उसको मिलना चाहिए, तब व्यक्ति एक जगह आके टूट जाता है कि मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। और कहीं आप देखेंगे कि व्यक्ति पाप भी कर रहा है, दुष्कृत्य भी कर रहा है, लेकिन उसका समय अच्छा गुजर रहा है, उसके लाइफ में कोई ऐसी दुखद और कोई ऐसा घटनात्मक स्थिति नहीं हो रही कि जिससे कहा जाए कि ये जो पाप कर रहा है, दुष्कृत्य कर रहा है, उसकी ये घटना है। व्यक्ति का जन्म जब जुड़वा बच्चे होते हैं या एक ही माँ के गर्भ से तीन बच्चे जन्म लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में तीनों बच्चे अधिक से अधिक 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट ऐसे अंतराल में जन्म लेते हैं। इतने समय के अंतराल में बहुत कुछ चेंज नहीं हो जाता है, लगभग लगन वही रहती है, राशि वही रहती है, नक्षत्र वही रहता है, चरण वही रहता है, लगभग सब कुछ वही रहता है। सूक्ष्मांतर में या षष्ठ्यांश चक्र में आप जाएंगे तो वहाँ कुछ थोड़ी बहुत अंतर मिलेगा, बाकी और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन देखेंगे तो तीनों का भविष्य अलग अलग है, तीनों की आपको जीवन की दिशाएं अलग अलग मिलेंगी। ऐसा क्या है, तो इस विषय में जब आप जाएंगे तो ज्योतिष आपको बताती है कि उनके जन्मांक का जब आप अध्ययन करेंगे तो पूर्वार्ध में उनकी क्या रहा है, कर्म कैसे रहे हैं। एक ही क्लास में 20 या 25 बच्चे होते हैं, एक उसी को 2 घंटे पढ़ता है और 2 घंटे में 6 घंटे के कोर्स को कंप्लीट करता है, और एक बच्चा उसी विषय को 6 घंटे पढ़ता है, और जो बच्चा 2 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करता है वो जाके 6 घंटे में कंप्लीट कर पाता है। ऐसा क्या है, जब व्यक्ति एक थोड़े से प्रयास में सफल हो जाता है और एक थोड़े से प्रयास में, एक थोड़े से प्रयास में सफल हो जाता है, एक बहुत अत्यधिक प्रयास करता है लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती, तो यहाँ व्यक्ति फिर सोचने में मजबूर हो जाता है कि हाँ कुछ तो है प्रारब्ध, कुछ तो है किस्मत, कुछ तो है ज्योतिष। आजकल के कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि ज्योतिष, भाग्य, ये सब बेकार है। जब इस प्रकार की घटनात्मक स्थितियां उनके जीवन में आती हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं कि नहीं, ज्योतिष कुछ है, ज्योतिष यथार्थ में है। तो ये मैं कहता हूँ कि ज्योतिष कहीं गलत नहीं है, ज्योतिष 100% सत्य है, और ज्योतिषी के विषय में कहा जा सकता है कि उसकी पकड़ ज्योतिष में कितनी गहरी है, उसके ऊपर बागम्बणी सरस्वती की कितनी कृपा है, उसका ज्योतिष में अपना कितना अनुभव है, कितना शोध है। यहाँ आप ज्योतिषी के ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हो, ज्योतिष में नहीं कर सकते। ज्योतिष कल भी सत्य थी, ज्योतिष आज भी सत्य है, ज्योतिष भविष्य में भी सत्य रहेगी। तो ज्योतिष के विषय में आपको मैं जन्म कुंडली क्या है इसके विषय में बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं,
तो हर भाव से अलग अलग चीज देखी जाती है। उस हर भाव के विषय में मैं अपने वीडियो में दूंगा, प्रथम भाव से लेके और द्वादश भाव तक। तो जैसे कि क्रमशः है तन भाव, धन भाव, सहज भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव यानी शत्रु भाव, सप्तम भाव यानी पत्नी भाव, तिरिया भाव, अष्टम भाव भाग्य भाव, कर्म भाव, आय भाव, व्यय भाव। तो इसमें हमारी 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और इन पे पूरी तरह से ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे इसी में जो है आपका नक्षत्रों का भी अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों के साथ साथ फिर इसमें दशांतर दशा, वो ज्योतिष का एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है जिसके विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करके फिर जो है बताया जाता है। तो मैं 12 भावों के विषय में किस भाव से क्या देखा जाता है इसके विषय में क्रमशः सभी भावों के विषय में बताऊंगा। तो आज मैंने इस वीडियो में ये परिचय दिया कि जन्म कुंडली से जन्म कुंडली क्या है और जन्म कुंडली क्या बताती है। तो जन्म कुंडली ये चीज़ें बताती हैं और इन चीज़ों पे आप जो है देखें कि आपको जिस चीज़ की पीड़ा है उस चीज़ से संबंधित उस भाव का अध्ययन करवाएं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कब तक खराब रहेगा, कैसे ठीक होगा और इसमें यदि दिक्कत आई है तो ऐसा क्या कमी है इस ग्रह में जो कि हम पूजा से, पाठ से, याचना से, प्रार्थना से, कर्म के आधार पे इसको ठीक कर सकते हैं। तो कुंडली क्या है आज मैंने ये बताया, आगे अपने वीडियो में भावों के विषय में बताऊंगा। तो बस आज इतना ही, नमस्कार।